हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूँ काजल, फिर से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज मेरे पास है यामा FZS वर्सन 3.0 BS6, क्योंकि देख सकते हैं पूरा रेड कलर की है। आज हम इस यामा FZS वर्सन 3 पे इंस्टॉल करने वाले हैं 4 इंडिकेटर हार्ड जार फ्लासर। ये रहा वो फ्लासर मोटो केयर कंपनी की। मोटो केयर कंपनी का 22 फंक्शन हाई क्वालिटी फ्लासर है और इसमें देखिए मॉडल नंबर है TF010। तो इसका ओवरऑल क्वालिटी देख सकते हैं, पूरा बॉडी प्लास्टिक का है और यहाँ पर नीचे दो रिले लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए दो वायर है, दो येलो कलर का वायर है और एक रेड और एक ब्लैक। तो गाइस, इस फ्लासर का प्राइस है ₹440। अगर आप इस फ्लासर को परचेस करना चाहते हैं, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया डिलीवर्ड हो जाएगा। गाइस, आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे इस तरह के हार्ड जार फ्लासर को यामा FZS वर्जन 3 में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, एकदम पार्ट टू पार्ट डिटेल में समझाएंगे, डिटेल में दिखाएंगे इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्लासर है, फ्लासर को सबसे पहले बाइक को सीट को खोल के सीट के नीचे पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद इसका वायरिंग करेंगे। ओपन करने के बाद गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह का है जगह, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा स्पेस है, ये फ्लासर आसानी से यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो गाइस देखिए कितना अच्छे से फ्लासर यहाँ पर सेट हो गया। अब बात आती है इसका कनेक्शन की। तो गाइस, ये दो जगह से कनेक्शन होता है, एक तो है डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन होता है और इसका जो इग्निशन स्विच है, ये इग्निशन स्विच है, इग्निशन ऑन करने के बाद ही इसमें करंट आएगा। तो उसके लिए चाहिए पहले एक कुछ इस तरह का स्विच चाहिए। इस बाइक में ऑलरेडी स्विच लगा हुआ है, इसलिए मैंने स्विच नहीं लगाएंगे, इस स्विच से ही काम चला लेंगे। तो इग्निशन से कनेक्शन करना ही सबसे बेस्ट है। तो इग्निशन से कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, ये स्विच का जो वायर है, एक स्विच का वायर जाकर इग्निशन से कनेक्ट करेंगे और इग्निशन से कनेक्ट करने के बाद स्विच का जो एक दूसरा वायर है, वो दूसरा वायर आके फ्लासर का जो रेड वायर है इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसका जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर बाइक पे कहीं पे भी बॉडी पे अटैच कर देंगे। और यहाँ पर जो दो येलो वायर है, एक येलो वायर एक लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के प्लस में जाएगा और एक येलो वायर राइट साइड के इंडिकेटर के प्लस में जाएगा। पीछे से तीन वायर आ रही है, ये पतला वाला जो दो वायर है, ये दो वायर इंडिकेटर का है पीछे का। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको खोल के निकालेंगे, जो रबर का कैप है इसको अच्छे से हटाएंगे। इस कैप को हटाने के बाद ये जो दो वायर है ना, ये दो इंडिकेटर का है, एक लेफ्ट साइड का है एक राइट साइड का। तो इसमें क्या करेंगे, ये दो येलो वायर है, एक येलो वायर को कनेक्ट करेंगे इस ग्रीन के साथ और एक येलो वायर को कनेक्ट करेंगे ये जो मैरून टाइप का है इसके साथ। इंडिकेटर का कनेक्शन हो गया, अब इसका जो कैप है, इस कैप को अच्छे से लगा के पहले जैसा था वैसे ही फिट कर देंगे। और इसका जो ब्लैक वायर है, इसका बाइक का कहीं पे भी बॉडी पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सामने बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको अच्छे से लूज कर लेंगे पहले। लूज करने के बाद इस वायर को इसके अंदर डाल के इस बोल्ट को फिर से टाइट कर देंगे। इसका नेगेटिव कनेक्शन भी हो गया और बचा हुआ है इसका पॉजिटिव कनेक्शन। इसका जो प्लस कनेक्शन था, ये सोचा था कि इग्निशन स्विच से देंगे, लेकिन इग्निशन स्विच से देने का कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि चाबी ऑन करने के बाद, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो एक पार्किंग बल्ब लगा हुआ है,
इसमें से कनेक्ट कर देंगे, तो क्योंकि इसका इग्निशन स्विच का वायर का कनेक्शन बहुत अंदर में है, क्योंकि पूरा फ्यूल टैंक को खोलना होगा। तो देख सकते हैं चाबी को ऑन करने के बाद ये जो पार्किंग बल्ब जल रहा है, इसमें से जो प्लस का वायर है यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके पहले इस स्विच में कनेक्ट करेंगे। तो ये स्विच का जो दो, देखिए दो वायर है, एक वायर को ला के पहले इसके साथ कनेक्ट करेंगे प्लस में, और एक दूसरा जो वायर है वो वायर ले जाके फ्लासर में जो रेड वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें से कनेक्शन करने के लिए इसका सामने का जो भाईजार है इसको खोलना होगा, पहले इसको खोल लेते हैं। वैसे यहाँ पर जो ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच का वायर थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा वायर एक्सटेंड कर लेंगे ताकि एकदम प्रॉपर तरीके से भाईजार तक आ जाए। प्लस का कनेक्शन करेंगे, वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। तो जो पार्किंग लाइट का कनेक्टर है, इस कनेक्टर को कुछ इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद देखिएगा, इस जो व्हाइट कलर का वायर है ये प्लस कनेक्शन है इसका, तो इस वायर को इस व्हाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे। वायर को इसके साथ कनेक्ट करना एकदम सिंपल है, देखिए इसको अच्छे से छील लिया। छील लेने के बाद ये जो व्हाइट कलर का वायर है उसके कनेक्टर में कुछ इस तरह से इसको डाल के ऐसे फिर से इस कनेक्टर को पहले जैसा फिटिंग कर देंगे। रेड वायर उसके साथ देखिए एक बड़ा सा वायर एक्सटेंड कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, ये सीट के नीचे से यहाँ पर जो चेचिस है इसके नीचे से फ्यूल टैंक के नीचे से पार करके यहाँ तक लेके आएंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे स्विच के जो एक वायर है उसके साथ। का जो प्लस कनेक्शन था वायर देख सकते हैं, इसके नीचे से फ्यूल टैंक के नीचे से ले जाके यहाँ पर जो स्विच का और एक वायर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन अभी कंप्लीट हो गया। फाइनली वायरिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। चलिए चेक करके देखते हैं इसका जो 22 पैटर्न है वो पैटर्न कैसे काम करता है। इग्निशन को ऑन कर लिया। इग्निशन को ऑन करने के बाद जो फ्लसर का स्विच है स्विच को ऑन कर देंगे। देखिए स्विच को ऑन करने के बाद फ्लसर काम करना स्टार्ट हो गया। देखिए स्विच को ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, देखिए पैटर्न चेंज हो गया। फिर से ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, फिर से देखिए पैटर्न चेंज हो गया। फिर से ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, देखिए फिर से जलने का जो ढंग है वो चेंज हो गया। फिर से ऑफ करके ऑन करेंगे, देखिए फिर से भी पैटर्न चेंज हो गया। फिर से ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, देखिए जलने का पैटर्न चेंज हो गया। कुछ इस तरह से इसका पैटर्न चेंज होता है, इसमें 22 पैटर्न है। वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस टाइप का हर जार फ्लासर को इंस्टॉलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा,
तो गाइस वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए गाइस इतना ही।